पवन तनय संकट हरण मंगल राम लखन सीता सहित हृदय बसो राम लखन सीता सहित हृदय बसो बोली सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। हरि ओ नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत वंदन कर आप सभी भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को व्यासपीठ से प्रणाम कर भारत भूमि किस पावन धरा पे भगवान राम जी के पावन चरित को आज कथा के आठवें दिवस कथा के क्रम को लेने से पहले हम आपसे कहेंगे कल हमने कथा को कहां विराम किया। मेरे प्रभु वन में गए, राम वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी आए हैं राम वन का और पिता के मरण का सुन के भरत ने विलाप किया। कौशल्या अम्बा ने समझाया, वशिष्ठ जी ने समझाया और भरत ने सभी पितृ कर्म किए हैं जो वेदों में वर्णित हैं। महाराज दशरथ जी के देवलोक होने के बाद में पहली बार आज अवध की राज्यसभा जुड़ी है। सभी लोग मंत्रीगण, नगर के वरिष्ठ लोग, माताएं, भरत शत्रुघ्न वहां उपस्थित है।
वशिष्ठ जी आए। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने केकई की कुटिलता का कहा। महाराज दशरथ जी के राम प्रेम का वर्णन किया और राम जी की पितृ भक्ति की सराहना करते करते वशिष्ठ जी गदगद हो गए। गुरु को प्रणाम करके भरत कहने लगे, गुरुदेव आप जैसे सामर्थ्यवान हमारे कुल के गुरु होते हुए आपके द्वारा शोधा गया शुभ मुहूर्त और राम जी को वन कैसे हो गया? क्यों गुरुदेव? वशिष्ठ जी की आंख में आंसू आए। वशिष्ठ जी कहने लगे, कर्म गति टारी नाही टरी। यही भरत, ये जो कर्म की गति है उसको कोई टाल नहीं सकता। हे भरत, कर्म गति टारी नाही टरे, टारी नाही टरे, भरत गति टारी नाही टरे। एक दिवस सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नीच गर निर्भर, अरे नीच गर निर्भर, कर्म गति टारी नाही टरे, टारी नाही टरे रे, कर्म गति टारी नाही टरे। कर्म की गति को कौन टाल सकता है भरत? कुंती द्रौपदी पांचो पांडव आडही माले गले, कर्म गति टारी नाही टरे। सुनाऊ भरत भावी प्रबल बिलखी कहूं मुनिनाथ, केला बहानी जीवन मरण यश अपयश विधिया। जो मानस पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड का 171वां दोहा, सुनहु भरत भावी प्रबल के बिलखी कहूं मुनिना, लाभिहानी जीवन मरण के यश अपयश विधिया। वशिष्ठ जी की आंख में आंसू हैं, गदगद होते हुए वशिष्ठ कहने लगे, हे भरत मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ भरत, अगर प्रारब्ध में कुछ होता है तो हम कुछ कर्म से उसको इधर उधर कर दें, पर भाई यहां प्रारब्ध का भी खेल नहीं रहा, यहां तो उसकी भावी प्रबल हो गई थी। राम श्यम ही वन में जाना चाहते थे, यही तो भावी है माना था। सुनो भरत भावी प्रबल के बिलखी कहूं मुनिनाथ, वशिष्ठ जी रोते रोते कहने लगे, कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ।
जीवन में किसको कितना लाभ होगा, किसको कितनी हानि होगी। ये जन्मना, ये मरना, यश अपयश, ये सब तो विधि के हाथ है। आदमी तो स्वयं को अपने ऊपर जबरदस्ती ही ले बैठा है हमारा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, परम श्रद्धे पूज्य स्वामी जी की किताब को मैं पढ़ रहा था अभी पिछले समय। स्वामी जी ने लिखा कि व्यक्ति पैसों को कमाने के लिए क्या क्या कुतर्क कर बैठता है, पर उसे अपने प्रारब्ध का, अपने भाग्य का विश्वास नहीं। पर एक ध्यान रखिए, भाग्य में लिखे हुए रुपये को तो ब्रह्मा जी का बाप भी नहीं रोक सकता, उसको भी देना ही पड़ेगा। भाग्य व्यवस्था विश्वास नहीं रोक सकता। बड़ा अच्छा लगा। मिलना उतना ही है जितना भाग्य में, लेकिन उसको भाग्य में मिलने वाले धन को ही हम अर्जित करते हैं, पर पाप कर्म करके करते हैं। अगर सत्य की राह पे चले चलें तो फिर वो प्रारब्ध तो नहीं बनेगा, पाप तो नहीं बनेगा, पर हम बांध देते हैं पाप। कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, कहां कौन जय जय करेगा और कहां कौन दो हमें गाली दे देगा, ये तो सब नियत पुरुष से निर्धारित है महाराज। किसके जीवन में क्या होगा, किसके जीवन में क्या नहीं होगा, ये सब निर्धारित है। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा, भरत सोच ना करें, तुम जो दुखी हो, तुम्हारे जो आंखों में आंसू हैं, मत दुखी हो, आपके पिता सोचने योग्य नहीं है। संतान का धर्म होता है माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। राम पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके वन के अंदर गए, तो हे भरत आप भी पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके इस अवध के राज को संभालो, क्योंकि पुत्र का पहला धर्म है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। आपके पिता सोचने योग्य नहीं है, सोचने योग्य संसार में कौन है, यहां वशिष्ठ जी ने 12 लोग बताए हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे भरत, संसार में सोचने योग्य कौन है, सोचनी नहीं चिंता करने योग्य। सबसे पहले तो कहा, वह ब्राह्मण संसार में सोचने योग्य है जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और जिसने वेद पठन नहीं किया, जिसने ब्रह्मत्व को नहीं जाना महाराज, जिसने त्रिकाल संध्या नहीं की, गायत्री अनुष्ठान नहीं किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, उनका कर्म भी तो होना चाहिए। वह ब्राह्मण सोचने योग्य है, करपात्र जी को किसी ने प्रश्न किया, अगर ब्राह्मण को कोई धोखे से शराब पिला दे तो उसका क्या प्राश्चित है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, स्वेच्छा से नहीं। अगर ब्राह्मण को कोई धोखे से शराब पिला दे तो उसका क्या प्राश्चित है। करपात्री जी ने कहा उसको जीते जी जल जाना चाहिए, तो कि ये तो और पाप हो जाएगा, तो कि हो जाएगा, उसका कोई प्राश्चित नहीं है, इतना बड़ा दोष लगता है। अब बताइए महाराज, वर्तमान युग की क्या दशा है आपको कोई कहने की जरूरत नहीं। और राजा सोचने योग्य है, ज्यादा नहीं कहेंगे, और राजा सोचने योग्य है जो राजनीति नहीं जानता महाराज, जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है। हमारे नेता लोग कहते जरूर हैं राम राज्य स्थापित करो, बाकी राम राज्य स्थापित करना सहज थोड़ी होता है।
राम राज्य का सूत्र ही एक था। मेरे प्रभु ने अपने अवध के निवासियों को बुलाया, राज्य के लोगों को बुलाया और कहा हम राजा बने हैं, हम एक नया संविधान लागू कर रहे हैं, नया सूत्र। लोग थोड़े संकोच में पड़े, ऐसा क्या सूत्र प्रभु रख रहे हैं। राम जी ने कहा सोई अतिशय प्रिय, सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रिय है जो मेरे अनुशासन को मानेगा। क्या अनुशासन है कि जो अनीति कछु भाषो भाई तो मोई बर जाऊं भय बिसुराई। अगर मैं कोई अनीति करता हूं, नीति के विरुद्ध कार्य करता हूं तो बेरोक टोक बिन संकोच किए मुझे आप रोक सकते हो। ये महाराज राजा है। वर्तमान में तो वर्तमान परिस्थिति में तो महाराज देखें तो राजा लोग अपना धर्म ही भूल गए। ये जो दो है ना पद, एक तो राज पद और दूसरा अध्यात्म पद, ये दोनों कांटों के ताज है महाराज। ये सेवा करने का स्थान है। राजा होता है ना वो भी प्रजा की सेवा करता है, और जो साधु होता है वह भी समाज की सेवा करता है। हमारे तो कहे कवि लोग सरवर तरवर संत जन चौथो बादल में के परमारथ के कारण चारों धारी। इनका जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है। पर अभी वर्तमान संदर्भ में दोनों महाराज उल्टा चल रहे हैं। राजनीति में लोग इसलिए जाते हैं सेवा करने नहीं, सेवा करवाने। और अध्यात्म क्षेत्र में भी लोग इसीलिए आते हैं सेवा करने नहीं, सेवा। थोड़ा जोर से बोलिए। अरे हमको देख के संकोच ना करें महाराज, हम कोई संकोच करने वाली बात नहीं। विवाक होके बोलिए सेवा करवाने महाराज। हम कोई उसे अछूते थोड़ी ना है, हमें काय को डर। भय उसको होता है जिसका कुछ छिन जाए, हमें तो भय है नहीं क्यों, कुछ रखे ही नहीं तो छिनेगा क्या। छिनने का डर सही बात है गलत है। सेवा किसी से करवाई न करवाएंगे, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं जब तक जिए तब तक भाई किसी की सेवा न करवाएं, और जब चले जाएंगे तो स्वतः ही लोग सेवा कर ही देंगे। आखिरी सेवा तो करनी पड़ेगी सबको। पर ये जो दोनों पद हैं यहां, सेवा करने का क्षेत्र है वहां सेवा करवाते हैं। ये त्याग का स्थान है महाराज। वह राजा कभी संतोषी नहीं होता और ब्राह्मण कभी असंतोषी नहीं होता। ये दो सूत्र है महाराज। ब्राह्मण राजा संतोषी क्यों नहीं होता, क्योंकि राजा हर क्षण प्रजा के सुख का, उनके कोई तकलीफ न हो उसका चिंतन करता रहता है। बाकी हमारे नेता लोग तो जब इलेक्शन आते हैं तो आते हैं और जीते उसके बाद में गधे के सर से सींग गायब जैसे गायब मारा, फिर तो दर्शन ही नहीं। आपके यहाँ के लोग को लोकल हैं तो क्या पता नित्य आते होंगे, बाकी हमारे तो नहीं आते। आपके लोगों के तो आते होंगे मोले, हमारे तो नहीं आते। हम कहते भी नहीं बुलाए, काय को बुलाए, काय जरूरत है महाराज हमारे, और उनको समय मिलता भी नहीं फीता काटने। कथा में भी आएंगे ना तो या तो प्रारंभ में आएंगे माला चढ़ा के, या आएंगे तो अंत में आएंगे ना ही माइक के पास आके माला चढ़ा के बैठ के कथा थोड़ी ना सुन सकते, नहीं सुन सकते, क्योंकि एक स्टेटस होता है महाराज। ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि कई बार हमें बोलते हैं लोग,
कि महाराज आप राजनेताओं के बारे में उल्टा सीधा न बोलिया करें, ज्यादा न बोले। मैंने कहा क्या होगा कि राजनेता लोगों का गलत बोलो कभी फंसा देंगे, मैं फंसा के क्या करेंगे भाई, फंसाएंगे क्या करेंगे, हमारे कोई आश्रम नहीं, कोई अकाउंट में पैसे नहीं, कोई धन नहीं, कोई चेला चांटी नहीं, जो चेला चांटी भी उंगली उठाए किसी से मिलते नहीं। अब उसके उपरांत भी कहीं फंसा के डाल देंगे तो हरी इच्छा, और जो भाग्य में लिखा है तो वो तो कहीं किसी से मिटेगा नहीं, चाहे कोई क्या कर दे क्या फर्क पड़ेगा, सही है गलत है। लिखियो मारवाड़े में कहावत आया करे कि लिखियोड़ा जूत तो महाराज दरगाह में ही गोनी टले। एक डोली जी गया पंडित जी कने जान के, पंडित जी मारो हाथ देखो तो हमारे हाथ में कीकर कहीं है। पंडित जी के कहीं बताओ बोल के आगे रो मारे को नहीं जान नो के एक साल पच्चे कहीं हुई, दो साल पच्चे कहीं हुई, मैं तो थोड़ी परीक्षा लेने वास्ते आज री तारीख में मारे भविष्य में कहीं लिखीड़ो है। बहुत ही विद्वान पंडित थे हस्तरेखा के। ओके भाई ये काम कर आज रोज पूछ रहा हूं क्यों कि आज थारे जूता पड़ी पच थने रोटी मिली ढोली कि मारे जूता पड़ी पच रोटी मिल क्या डोली बटू सीधो दौड़न गयो ठाकर साहब रे कोड़ी, ठाकर साहब रे बैठक में जान के दाता मैं आप रे गांव रो डोली मारे जूता पड़ी। ठाकर साहब के मैं गांव रो धनी मारे बैठो थारे जूता पड़ी कुण अट बैठ जा के पंडित जी कहो के पहला थारे जूता पड़ी पच थने रोटी मिली। ठाकर साहब के तू अट बैठ जा देखो की थने कुण जूता मारे कुण थने रोटी जिमा, मैं थने रोटी जिमा और मारे बैठे गांव में जूता थारे कुण माई, जूता आई तो पहला मैं खाऊं पच थारो नंबर आए बैठ जा। मैंने द्वारे बारे बिठा दियो, पहले गांव में बैठक रहा बड़ा बड़ा झूंपा होता कोड़ी, आजकल तो सब पक्का होगा मकान, बाकी पहले कच्चा झूंपा होता तो वह इन तरीके बनियोड़ा रहता, बाहर डोका रहता तो छाया ही सूर्य जी यूं आयो को धूप आवन लगी कब डोली जी खिसक परान बटी ने छाया में जान बैठ गया लाल लित्र जटी ने छाया ही बटी ने। ठाकर साहब मोह सूता मोचे ऊपर जो ही 12 बजी भोजन रो थाल आयो का आप नौकर ने कहो बारे खड़ो जिन्हें पहले रोटी खिला बाद में मैं भोजन करूं। वो कह जो हुजूर दाता वो बारे गयो जान एक रोटी लेने आयो थाली में सही कहो पियो की वो डोली तो वटी ने जान लाली तरफ छाया में बैठ गुन बारे कोई मकतो उबो हो बो उन नौकर रोटी उन मकते ने दे दी। डॉक्टर साहब के बारे उबो जी किने जिमा दियो के हाँ दाता जिमा दियो बस। डॉक्टर साहब भोजन कर विश्राम कियो शाम रात 4 बजे आंख खुले ऊंचा उठ बैठ गया वो पाथो पटिन धूप आ गई अठिन छाया की डोली सामी आन बैठ को कह रे तू तो कहतो नहीं के पंडित जी कहो के जूता पड़ी पछे रोटी मिली के दाता नहीं मिली तो मिल जाई कहीं कहो के नहीं मिली तो मिल जाई थने पहले रोटी खिलाई तू कहीं नहीं मिली तो मिल जाई बो कैसा अज तक तो मिली कोनी। जो ही आ बात कही ठाकर साहब ने क्रोध आया अरे कोई है भीतरू सेवक दौड़ता आया कही हुकुम अरे थने कह तो नहीं रे बारे उबो जिने रोटी जीमा दे पाछ मारे थाल पुरुषे कैसा जीमायो किने जीमायो इन जीमायो कैसा और ओ तो कोनी हो तो कोई दूजो अरे क्या बेईमान। ठाकर साहब ने गुस्सा आयो कने जूतो पड़िए तक घुमान मारे नहीं मारियो तो उन्हें नौकर और नौकर तो माथो कर दियो नी तो डोली जी बैठा जाके बठी रही जो तो पड़ियो डोली जी हमें रोटी मिल गई सा। कहने का तात्पर्य महाराज यही है कि जो लिखा हुआ जूत है वो कहीं नहीं टलेगा। वो तो ये जो सूत्र गाते हैं लाभ हानि जीवन मरण यस अप यस विधिया वह राजा सोचन योग्य है वह धनवान सोचन योग्य है जिसके पास में धन है और उसने अपने धन का खर्च सत्कर्म में नहीं किया। अपने धन का सत्कर्म में खर्च नहीं किया वो सुरपन का कहती है रावण को राजनीति बिनु धन बिनु धर्म
हरहीं समर्पी बिनु सतकर्मा, धन का जब तक दान न हो धन रह सके। तुलसी जी ने मानस के उत्तर कांड में लिखा, भगवान शंकर कहते हैं कि धन्य सुधन प्रथम गति जाकी, वही धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है। धन की तीन गति हैं, नाश भोग और दान। आपने इकट्ठा करके रख दिया, खर्च ही ना किया और संसार छोड़ के चले गए, उस धन का क्या काम, आपके लिए वो नाश के बराबर है। भोग खूब खर्च किया, खाया पिया मौज किया, उसका भी कोई अर्थ ना निकला, और लेकिन जो आपने कमाया उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंद कोई पुण्य में खर्च किया, वही आपका अपना, ध्यान रखिए। आपका बैंक बैलेंस वही है जो आपने हाथ से दान किया है। इसलिए हमारे मारवाड़ के संतों ने कहा, कबीरदास जी ने, अरे खायो सोई खोयो दियोड़ो आडो आवे भाई, जो खा लिया वो तो खत्म, जो हाथ से दिया वही आपका है। अरे खायो सोई खोयो दियोड़ो आडो आवे, अरे बिना दियोड़ो आडो कोनी आवे, बिरा बिना रे दियोड़ो आडो कोनी आवे, के ले लो हरी नाम थारा दिन जावे। अरे भाई जावे जेड़ा दिनड़ा पाचा कोनी आवे वीरा, ए जावे जेड़ा दिन पाचा कोनी आवे, के ले लो हरी नाम थारा दिन जावे। अरे धर्म करे जाने धन धन जग में, अरे धर्म करे वाने धन धन जग में, हरे अगमपुरी में ओ तो आडो आवे, हरे अगमपुरी में ओ तो आडो आवे, के ले लो हरी नाम थारा दिन जावे। अरे भाई जावे जैसा दिनड़ा पाचा कोनी आवे, ए बीरा जावे जेड़ा दिनड़ा पाचा कोनी आवे, के ले लो हरी नाम थारा दिन जावे। हमारा धन वही है जो हमने वही जीवन में कमाया है, जो हाथ से दे दिया महाराज। आप कभी विचार कीजिए, एक सेठ एसी ऑफिस में बैठा, एक फोन उठा के घुमाता है, 6 नंबर डायल करता है और एक फोन पे सौदा करके करोड़ों रुपए कमाता है। एक मजदूर कड़ी दोपहरी में पसीना गिर रहा है उसके, और वो नित्य मजदूरी करता है, वो जीवन भर मजदूर मजदूरी करके नहीं कमा सकता, उतना वह सेठ एक फोन के ऊपर कमा लेता। कमाता कि नहीं कमाता, मेहनत किसने ज्यादा की, मेहनत तो उस मजदूर ने ज्यादा की, सेठ ने कोई मेहनत नहीं की, पर इसने पैसे ऐसे कैसे कमा लिए। वो यह सेठ सोचे कि मैंने मेरी बुद्धि से कमाए, नहीं महाराज, बुद्धि सबके अंदर बराबर ही होती है, ठाकुर जी का दिया हुआ दिमाग सबका बराबर है, कोई किसी में लगाता है कोई किसी में लगाता है, अनपढ़ होते हैं, अंगूठा छाप, ये मैकेनिक जो गाड़ियां को ठीक करते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर सकते, वो कर देते, करते कि नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग उसमें लगाया है। जो व्यक्ति अपना दिमाग जिसमें लगाता है उसमें वह परिपूर्ण होता है, अगर लगाए तो दिमाग तो सब में एक जैसा, शरीर एक जैसा सबका बना हुआ है, तो फिर वो ऐसा कमा लेते, वो क्यों नहीं कमाते, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में खूब दान किया। महाराज जो दान करता है दूसरे जन्म में धनी बनता है। ये महाभारत के वन पर्व में मार्कंडेय जी कहते हैं युधिष्ठिर को कि हे धर्मराज, पिछले जन्म में जिसने दान किया है वह दूसरे जन्म में धनी बनता है, उसके पास प्रचुर मात्रा में धन होता है, पर जो धनी धन पाके फिर पुनः उसका दान नहीं करता है तो तीसरे जन्म में वो दरिद्र हो जाता है, बिल्कुल गरीब।
इतना गरीब होता है कि अपने उदर पूर्ति के लिए भी वह पाप कर्म करता है और चौथे जन्म में नरक का गामी बन जाता है। तपस्या से धन की प्राप्ति होती है, दान से धन की प्राप्ति होती है, या तो जो बहुत भजन करते हैं और मन में रह जाती है। जैसे कि कोई गरीब आदमी भगवान का नाम सुमिरन करता है, माला जपता रहता हर क्षण, लेकिन उसके मन में यही रहती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी एक बढ़िया मंदिर बनाता या धर्मशाला बनाता या एक बढ़िया कथा करवाता या तीर्थ पे जाके यह करता वह करता, पर भगवान ने मुझे पैसे नहीं दिए। और वो राम राम जपे जा रहा है, मन में एक ही रहती है, मेरे पास पैसे नहीं, पैसे नहीं। और वह जो माला जपते जपते व्यक्ति मरता है और अगर दूसरा जन्म मिलता है तो वह स्वतः ही धनी होता है, क्योंकि तपोश्वरी तो राजेश्वरी, राज सुख मिलता है, धन नहीं मिलता ना, प्रचुर मात्रा में धन। पर धन को प्राप्त करके फिर अगर उसका वो दान नहीं करता तो फिर महाराज अंतोगत्वा गति उसकी उधर नीचे चली जाती है, दरिद्र होता है तीसरे दिन में। या यही कहा वशिष्ठ जी ने, हे भरत सोच ही वयस कृपण धनवानु, वह धनी सोचने योग्य जो कंजूस है, जिसने अपना धन दान में और शिव पूजन में भगवान के पूजन में नहीं लगाया, वह शूद्र सोचने योग्य है जिसने ज्ञान को प्राप्त करके ब्राह्मण का अपमान किया। वशिष्ठ जी कह रहे हैं हे व्रत, वह नारी सोचने योग्य है जो कुटिल है, कलह प्रिय है और जो इच्छाचारी है। देखिए नारी हमारे इस भारतवर्ष में सदियों से स्वतंत्र थी। ये अभी हमारे नेता लोग कहते हैं नारी को बराबर आरक्षण दो, अधिकार दो, कहते हैं देते नहीं है, ना वो देते ना आप लोग देते हो। पहले था बराबर का हिसाब बाप। देखिए आप राम जी सिंहासन पर बैठते थे तो सीता जी को बिल्कुल पास में बिठाते थे कि नहीं बिठाते थे, जवाब दीजिए मुझे। जो राजा सिंहासन पर बैठता था तो वाम भाग में उनकी अर्धांगनी बैठती थी, बराबर बराबर उनको हक था निर्णय लेने का। पर आजकल हमारे गांव में सरपंच तो पत्नी होती है, काम सब पति देव करते हैं, वो बेचारी घूंघट काटे घर में बैठी रहती है और नाम क्या होता है सरपंच पति, कहते कि नहीं कहते, बोली कहां अधिकार दिया। नारी स्वतंत्र थी लेकिन पूर्व में नारी स्वच्छंद नहीं थी, अभी वर्तमान परिदृश्य में महाराज नारी स्वतंत्र तो है ना लेकिन स्वच्छंद हो रही है, और जो स्वच्छंदता ये समाज को पतन की तरफ ले जाएगी। और नारी सोचनीय है। देखिए तुलसी जी ने सुंदरकांड के अंत में एक चौपाई लिखी जो सागर कहता है हमारे प्रभु से कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसी जी जैसे संत जो जानकी जी की वंदना करते हुए कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, वो ऐसा कैसे लिख सकते हैं। तुलसी जी के लिखने का भाव क्या, कई जगह ऐसी हैं जहां तुलसी जी के लिखे हुए शब्दों को लोग समझ ही नहीं पाते। लंका कांड में एक चौपाई लिखी है, कई बार लोग कागज लिख के भेज देते हैं, अरे भाई इसको सीधा है, इसके कोई भी अर्थ बाहर नहीं होता है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो उसी के अंदर मिलेगा, कहीं बाहर जाने की कहां जरूरत है। वह मेरे प्रभु विलाप करते हुए कहते हैं निज जननी के एक कुमारा तास तात तू प्राण आधारा। तो यहां निज जननी का मतलब क्या हुआ, सुमित्रा का नाम नहीं कह रहे, निज का मतलब होता है अपना। मेरे प्रभु ने कहा कि मेरी मां के तो मैं एक ही पुत्र हूं, पर हे लखन मुझे कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, पर तुझे कुछ हो गया तो मेरी मां जीवित नहीं रहेगी, क्यों, क्यों कौशल्या के प्राण का आधार तो तू है। निज जननी के एक कुमारा तासु तात तुम प्राण आधार, वो जो शब्द लिखे उसी के अंदर ही उनका अर्थ है।
या जो तुलसी जी ने लिखा वो पांच लोग नहीं है, डोल गवार शूद्र पशु नारी, ये पांच नहीं है, तीन लोग हैं। एक तो है ढोल, दूसरा है गवार शूद्र और तीसरा प्रत्येक नारी नहीं पशु नारी। ढोल को जब तक मारेंगे नहीं, डाके से जब तक ढोल की आवाज नहीं आएगी उसका उद्धार नहीं होगा, मारने से उद्धार होगा। एक गवार शूद्र जो बुद्धिहीन है, गवार है बिल्कुल, जिसे कुछ भी पता नहीं, जो शास्त्र की भाषा समझे ना, व्यवहारिक भाषा न समझे, तो उस व्यक्ति को समझाने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए उसको डंडे की भाषा समझानी ही पड़ेगी। और तीसरा, सब नारी नहीं, पशुवत आचरण करने वाली नारी, खाए पिए पड़ी रहे, न कोई रिश्ता, न कोई लेना, न कोई देना, कौन आया कौन जाया, किसी से कोई लेना देना नहीं, ऐसी नारी ताड़ना के अधिकारी है। देख लीजिए, ताड़का का मेरे प्रभु ने संहार किया, सुरपनका के नाक कान काटे, जबकि सवरी जी को सदगति दी, उसका वंदन स्वीकार किया, उसे नौ धा भक्ति का ज्ञान दिया। राशि तो सवरी और सुरपनका की एक है कि दूसरी है, बोलिए। पर सुरफन का पशुवत आचरण करने वाली है, इसलिए उसको ताड़ना जरूरी है। पशुओं में कोई भेद नहीं है, पशुओं को मालूम नहीं है कि ये मेरा भाई है, कि ये मेरा पति है, कि ये मेरा पिता है, उन्हें कोई लेना देना नहीं, उनके जीवन में भोग ही प्रधान होता है। तो सुरफनका के जीवन में यही है, तभी तो पहले राम जी से कहा कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, और बाद में राम जी से कह रही कि आप हमसे विवाह करो, राम जी ने मना किया, तो लखन जी को जाके कहती है कि हमसे विवाह करो। अब बताओ, हमारे भारतवर्ष में, हमारे सनातन धर्म में परमानव ऐसा नहीं होता है। कई लोग हमको कहते हैं महाराज ये पितृ दोष और ये भूत, ये तकलीफें, ये सब भारत में ही क्यों होते हैं, या अमेरिका में, अंग्रेजों के तो नहीं होता। मैंने कहा वो आदमी हो तो हो भाई, तुम लोग हो, तुम व्यवहारिक हो, तुम सामाजिक हो, तुम धर्म को, पुण्य को, पाप को मानते हो, वो तो महाराज ब्रह्म ज्ञानी है, पुण्य पाप से बहुत परे है, उनको क्या लेना देना, उनकी क्या अधर्म, कौन सा पितर कौन सा न पितर। ओ, कोई मरियो पची भूत बने बे तो जीवता ही भूत है महाराज, मरियो पची तो कौन बने, क्या है वहां पे। अब लोग तो शायद आप में से कोई गया होगा, हम तो जाते रहते हैं विदेशों में कथा गाने, बाकी आपको सही कहें, मारवाड़ में कहावत है के हैरा हैरोड़िया कर्ण खाओ भाई रे, बाकी हाव तो मींगणो रावे जिक्की वीड़ी है। आपकी उदंती की कृपणी ध्यान, एक आदमी गयो हैर, पहले शहरों में जाओ तक नहीं है जने, शहर गयो तो गांव में सीधो साधो आदमी, वो कोई वर्ष पहले शहर में गयो बट गुलाब जामुन खाया आवे, तो गुलाब जामुन तो उन नौ याद रियो को नहीं, वो कह भाई तू हेर जवे क्यों, तो मारी एक हेरोलिया लेना दे, यानी कि हेरोलिया केड़ा वे के काला काला वे, मीठा मीठा वे, माते चास नहीं लागुड़ी वे, तू लेना दे मारे किले बिरा, पैसा दे दिया। बसा तो ही कोनी, वो ऊंट माते बैठो शहर आयो, तीन चार घंटा ऊंट माते चल, बट सामान अमान खरीदियो और पूछो वट एक भाई हेरोलिया कठे मिले, हम लोगों ने कहीं टा हेरोलिया कठे, हेरोलिया किन्ने के कौन समझे, तो क्या तू मांगनो कहीं चावे, केड़ा काला काला वेन, मीठा मीठा वेन, खावने लायक वेन, जोरदार जन के, अरे मूर्ख आदमी वे गुलाब जामुन मिटे दुकान में जा मिल जी, पो जान कैसा एक किले बिरा दे दो सा, ए हम ही दिखिया जका, ए दिखे जका दे दो, दुकानदार डब्बो भर दियो किले बिरा गुलाब जामुन, मो चाशनी घालन रख दी। अब आप अटो सामान ले रवन हो गो, ऊंट रे ऊपर बैठो, बैठो बैठो विचार करे क्या भाईरा, ओ हेरोलिया मंगाया पर अपो तो चाखिया ही कौन, देखो तुहरी है कड़ा, लारू डब्बो काटियो थेले मु ढक्कन खोलियो और एक गुलाब जामुन खायो, विचार कर भाईरा है तो स्वाद है बड़ा जोरदार है, पर अपना कौन भाई दूजोरा मंगाड़ा अपन नहीं खावना, ढक्कन देन पाछो रख दियो,
पांच एक मिनट एक बड़े खा लो तो कहीं फर्क पड़े। पांच डब्बो का लियो खोल ढक्कन, एक फेर गुलाब जामुन खा लियो, फिर ढक्कन रखन फिर रख दिया, थोड़ा आगे और निकली विचार क्योंकि चीज तो फायदा जोरदार है, एक बड़े खा लो वो एक एक करते हुए गुलाब जामुन तो सबरा सब खाई गयो। बेचार क्यों गुलाब ये तो हैंग खा लिया ना, मैं वो जावती के एक पया दिया था ना मारा हैरोलिया कठे जन कहीं क्यों उन्हीं समय ऊंट मींगना कर लागो देन ऊंट रो मींगना भर दी डबियो डबियो भर ढक्कन पर दे नहीं ला दिया हागेरा माते वा मींगनो और माते चाश नहीं लागी। वो कह रहे मारे हैरोलिया लाया के हो लाया के कठे कोरी डबो ले जा, वो डबो खोलन जीबू चाटे जन मात चास नहीं जगत मीठो लागणो ही जो मेंगने मात चास नहीं लागुड़ी जी कहो भाई है तो हैरोलिया अब खायो तो तू मेंगनो हो। वो क्या भाईड़ा तू किर दुकान लायो रे के क्यों के तो पया दीवड़ा हैरा हैरोलिया हो चन खाऊं बाकी भाईड़ा बहाव तो मेंगनो रो आवे जाके भाई महाराज बात ये है। अब ठीक है विदेश समझ के भले जाए कैसा मैं विदेश गुड़ा बाकी कहीं हाव को नहीं बैठे महाराज जो श्या जो आनंद इस भारत भूमि में है वो आनंद संसार में कहीं नहीं है जान रखिएगा। बट है कहीं क्या है वहां देखने के लिए, चौड़ी चौड़ी सड़क गणी है, साफ सफाई गणी है, मोटा मोटा मकान गणी बनीड़ा। अब बड़े बंगलों को क्या करें, बड़े बड़े शोरूम का क्या करें। मैं तो सोचता हूं वही बस्ती बस्ती है कि जहां सुबह 4 बजे मंदिरों की घंटियां बोलती हैं, जहां संस्कृत के श्लोक बोले जाते हैं, जहां आरती गाई जाती है, जहां अजान, वो है बस्ती। क्या है महाराज वहां पे कुछ भी नहीं, अब है नहीं तो कुछ भी नहीं। तो महाराज जो पशुवत आचरण करती है वह नारी सोचने योग्य है, कुटिल कलप या इच्छाचारी। वह गृहस्थी सोचने योग्य है जो कुतंत्र में पड़ के अपने गृह धर्म का पालन नहीं करता। देखिए गृह धर्म सबसे बड़ा है लेकिन गृह धर्म का पालन करें तो गृहस्थी का सबसे पहला धर्म है। आपके द्वार पे कोई जाचक जाचना कर आए तो उसे निराश करके कभी नहीं भेजना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जैसा भी आपसे बन पड़े उसको हाथ से उत्तर दे के भेजिए। बैखानस सब सोच ही जोगु, वशिष्ठ जी कहते हैं भरत वह बूढ़ा व्यक्ति सबसे ज्यादा सोचने योग्य है जिसे बुढ़ापे में भगवान का भजन प्रिय नहीं लगता। आपके पिता सोचने योग्य नहीं है, सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाव हुआ अहिन होई न हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। आपके पिता सोचने योग्य नहीं है, उनका प्रभाव तो 14 लोकों में है ही भरत, न तो आज तक कोई ऐसा हुआ न है और नहीं कोई होगा आपके पिता के जैसा। इसलिए सोच का परित्याग करके पिता ने आपको राज दिया है, आप इस राज को स्वीकार करें। जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा प्रजाजनों ने समर्थन किया, कौशल्यादि ने अनुमोदन किया है। भरत ने जो ही ये सुना भरत जी की आंखों में आंसू बहने लगे। भरत हाथ जोड़ के कहने लगे मुझे जो गुरुदेव ने उपदेश दिया है मैंने सब ध्यान से सुना, प्रजाजन मंत्रीगण सबकी सहमति और उसमें मां आपने भी कह दिया, मेरा धर्म है कि मैं आप सबकी आज्ञा का पालन करूं। आप सबने अपने अपने विचार कहे पर किसी ने मुझे पूछने की कोशिश की कि मैं क्या चाहता हूं, ये राज करना ही मेरा हित है, आपने कैसे सोच लिया। भरत कहने लगे पितु सुरपुर सिया राम बन करन काई मोई राज,
इत जानब मोर हित किया अपन बड़का। मेरे पिता तो देवलोक हो गए, सीताराम जीवन में हैं, और आप हमें कहते हैं कि हम अवध का राज संभालें, ये मेरे हित की बात है। भरत कहने लगे, अगर आप मेरे हित की बात सोचते तो मेरा हित किस में था। भरत जी कहने लगे, ये तो वो बात हो गई कि अगर बिना कपड़े पहने कितना भी गहना आभूषण पहन लो तो क्या कोई सुंदर लगेगा। बादी बसन बसन कहते हैं वस्त्र को, बिनु भूषण भारो, कितने गहने पहनो सुंदर नहीं लगेगा। ऐसे ही बादी विरति बिन ब्रह्म विचारु, वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान की बात करना निरर्थक है। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, जब तक ये शरीर स्वस्थ है तभी तक भोग है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो भोग नहीं। बका 105 डिग्री का आया हुआ हो और पास में ले जाके कह ले हलवा खा ले रे, वो क्या खा खाए हलवा, वो बेचारा मर रहा है, उसको तो बुखार आया हलवा। जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक संसार के भोग है। बिनु हरि भजन जाय जप जोगा, भगवान के भजन के बिना जप तप योग सब निरर्थक है। पर एक बड़ी बात कह दी भरत जी, जाय जिय बिनु देह सुहाया, ये शरीर कितना भी सुंदर है कितना भी रिष्ट पुष्ट है, पर अगर इसमें प्राण नहीं है तो शरीर का कोई अस्तित्व है, कोई अस्तित्व नहीं। मान कुर्सी पे बैठा है बड़ा सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए, कोई पूछे भाई बैठा क्यों है तो के इसलिए बैठा नहीं बिठाया गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्राण नहीं है। तो वो क्या कहेंगे, तो फिर बेटा के क्या करोगे, ले जाके जलाओ ना, क्या करोगे इसका। जब तक इसमें प्राण है तभी तक इसका अस्तित्व महत्व है, प्राण नहीं है शरीर में तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। हनुमान जी जब लंका में गए सीता जी से मिले तो सीता जी को अपना स्वरूप बताया, क्योंकि जानकी जी को विश्वास नहीं हो रहा था। एक अभी सब तुम ही समाना, सब तेरे जैसे ही है क्या, या कोई तुझसे भी कोई बड़ा है। तो हनुमान जी ने क्या किया, कनक भूधराकार शरीरा, शरीर बढ़ाना शुरू किया, इतना शरीर बढ़ाया कि सीता मन भरोस जब भयो, अति लघु रूप पवन सुत लय। हनुमान जी छोटे हुए, जानकी ने आशीर्वचन दिया हनुमान जी को, क्या कहा, बलवान हो शीलवान हो अजर हो जाओ अमर हो जाओ और गुणों के निधान हो जाओ। ये कितने आशीर्वचन दिए, पर हनुमान जी के चेहरे पे कोई प्रसन्नता नहीं। सीता जी ने कहा, रे पुत्र मैंने तुझे इतना बड़ा आशीर्वचन दिया जो संसार में किसी के पास नहीं है, इतना मिलने के बाद में तुझे कोई खुशी नहीं। हनुमान जी ने कहा, मां ये पंच तत्वों की बनी हुई देह है, पर ये देह कब तक सही है, कब तक इसका महत्व है, जब तक इसमें प्राण है। इसमें प्राण नहीं है तो देह क्या काम की। आपने देह रूपी वरदान तो दे दिए, पर जो प्राण देने वो प्राण नहीं, और बिना प्राण में कैसे प्रसन्न हूं। जानकी जी तुरंत समझ गई और हनुमान जी को प्राण रूपी आशीर्वचन दिया, क्या कहा, तो जब तक इस देह में महाराज प्राण नहीं है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। भरत जी ने कहा, जाय जीह बिन देह सुआई, बादी मोर इन बिनु लघु। ऐसे ही राम जी के बिना इस अवध का कोई अस्तित्व नहीं है। आप मुझे राज देना चाहते हो, नहीं महाराज, जो हटी रात देहू मोहि जब ही, रसा रसा तल जाय ही तब ही।
जो मोहिराज देव, क्योंकि मोह समान को पाप निवासु, मेरे जैसा ही संसार में कौन पापी है के जेई लगी राम सिय बनवासु, जिसके लिए सीताराम जी को वन में जाना पड़ा। आपन दारुण दीनता सकल कहूं समझा, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की नजर नहीं जा। मैं अपनी दुख की, अपनी दारुणता, अपनी दीनता आपको कैसे समझा के कहूं, बिना राम जी को देखे मेरे हृदय की जलन सूल मिटेगी नहीं। मैंने एक विचार कर लिया है। भरत जी कहने लगे, यद्यपि जन्म को मातुते मैं सठु सदा सदोष, पर आपन जानन त्याग ही के मोहि रघुवीर भरोस। मेरा जन्म को माता से हुआ है, मैं दोषों की खान हूं, फिर भी मुझे मेरे प्रभु का विश्वास है कि वो मुझे अपना समझ के त्यागेंगे नहीं, मुझे स्वीकार कर लेंगे। और जो अवध के लोग वहां थे उपस्थित, जिनके मन में थोड़ा भी भरत के प्रति कुभाव था, सब का सब महाराज बह गया। भरत के वचन इतने सबको प्रिय लगे, तुलसी बाबा बोले, भरत वचन सब कहूं प्रिय लागे, राम स प्रेम सुधा जनु पागे। भरत वचन सब कहूं प्रिय लागे, भरत वचन सब कहूं प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। भरत जी के वचन सबको प्रिय लगे, जिनके मन में थोड़ा बहुत भी कुभाव था, सबका सब बह गया। जैसे ही भरत ने कहा हम सुबह राम जी के पास जाएंगे, वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम अगर राम के पास जाते हो ना तो पुत्र हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि राम दर्शन किए बहुत दिन हो गए, पुत्र हम भी राम से मिलना देखना चाहते। वशिष्ठ जी ने कहा, कौशल्या अम्बा ने कहा, सुमित्रा ने कहा, मंत्रियों ने कहा, वरिष्ठ लोगों ने कहा, भरत जी ने सबको स्वीकृति दी, सब चले। देखिए भगवान में संत में इतना ही भेद है, मेरे प्रभु जीव के प्रारब्ध को भोगने के लिए उसको इस संसार रूपी सागर में छोड़ देता है, लेकिन संत उन्हीं सब जीवों को अपने साथ में लेके प्रभु के पास चल देता है, फर्क इतना ही है। राम जी को सब कहां अवध के लोगों ने खूब आग्रह किया, पीछे भी दौड़े, पर मेरे प्रभु अयोध्या के लोगों को साथ में लेके नहीं गए। आज भरत जब जाने लगे तो अवध के लोगों ने कहा, तो भरत ने कहा सभी चले, जो चलना चाहता है सब चले। जब पूरा समाज तैयार हुआ तो भरत जी ने कहा, अगर आप सब लोग चल ही रहे हो तो एक काम करते हैं, हम राज अभिषेक का सामान सामग्री साथ ले लेते हैं, वहीं वन में राम जी को राज अभिषेक करेंगे और प्रभु को राजा बना के वापस अवध ले आएंगे। सब लोग जय जयकार करने लगे। भरत जी ने कहा सब तैयारी करो, सुबह सूर्य उदय के साथ में ही हम चित्रकूट को चलेंगे। भरत जी वहां से घर को आए हैं, घर आके भरत विचार करने लगे, ऐसा विचार करके ऐसे सेवकों को बुलाया कि जिनका सपने में भी महाराज धर्म नहीं डोलता हो, उनको पूरे राज्य की सब संभार दिए, सुरक्षा का जुम्मा सौंपा और
तीन पालकी तैयार करवाई। पहले तो दो की, पर कौशल्या जी के कहने से भी तीसरी करवाई। तीनों में माताओं को बिठाया सुंदर रथ के ऊपर। महाराज वशिष्ठ जी को बिठाया है गुरुपत्नी सहित, और भरत जी राम जी को मनाने चले। जैसे ही भरत चलते चलते श्रृंगवेपुर के पास पहुंचे, प्रथम दिवस तमसा के किनारे निवास करके, बीलों के राजा निषाद को यह समाचार मिला कि भरत आ रहे हैं। निषाद बीलों से कहने लगा कि भरत किस कारण से वन में जा रहे हैं। बीलों ने कहा, हमें तो मालूम नहीं महाराज, क्या कारण जा सकते हैं। निषाद कहने लगा, मुझे लगता है भरत के मन में कुछ न कुछ कपट है। बिल कहने लगी, क्या कपट हो सकता है। निषाद कहने लगा, भरत के मन में यह कपट है कि वन में जाके भाई सहित राम जी को मारूं और फिर अकंटक राज करूं। महाराज भरत ऐसा कैसे सोच सकते हैं। निषाद ने कहा, अगर ऐसा विचार नहीं होता तो साथ में सेना लेके क्यों जाते। तो महाराज भरत राम जी के भाई हो के भरत ऐसा विचार कर सकते हैं। राम जी तो इतने सरल हैं। निषाद क्या कह रहा है, का आचरज का आचरुज भरत यस करई का आचरज। आचार्य भरत यस करही नहीं बिस बेले, नहीं बिस बेले हमी अपल पराई, नहीं बिस बेले। अरे भाई इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है भरत ऐसा करें, क्योंकि जहरीली बेल के तो जहरीले फल ही होंगे, अमर फल नहीं होंगे। जैसी माँ वैसा बेटा होगा। बिल कहने लगी, तो देव हमें क्या करना चाहिए। निषाद कहने लगा, भरत ये भाव लेके जा रहा है कि मैं सेना लेके जाके वन में राम अकेले तो मार दूं, पर भरत को मालूम नहीं कि वन में राम जी के सेवक रहते हैं। चित्रकूट तो जाना दूर भाइयों, हम लोग भरत को गंगा ही पार नहीं होने देंगे। बीलों ने कहा, तो हम क्या करेंगे। निषाद कहने लगा, सन मुखे लो है भरत सन ले सन मुख लो। दियत दियता न सुरी सुरी दियतन सुर सुरी उतिरन दे सन्मुख लो है सन्मुख लो है भरत सन ले सन्मुख लो। आज हम भरत से सन्मुख युद्ध करेंगे। भाइयों एक काम करो, सब घाटों को रोक दो, नावों को बुड़ो दो, भरत से हम युद्ध करेंगे। हम जब तक जीवित हैं तब तक भरत को गंगा पार ही नहीं करने देंगे। भाइयों आज हमारे भाग्य उदय हुए हैं। बिलों ने कहा, कैसे। निषाद कहने लगा, तजहु प्राण रघु नाथ निहोरे तजहु प्राण रघु। अरे दो हाथ मुदे मोद कमोरे दो हाथ मुदे। हा
हम राम जी के कारण इस प्राणों को त्यागेंगे, प्राणों को राम जी के लिए नोछावर कर रहे हैं। हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। बिलों ने कहा महाराज दोनों हाथ में लड्डू कैसे हो गई। निषाद कहने लगा समर मरने समर मरन पुनि सुर सुरी तीरा राम काज हरे राम काज खड़े भंगू सतीरा राम काज युद्ध भूमि में मरना वीर के लिए ऐसे ही परम गति होती है। एक तो हम युद्ध भूमि में मरेंगे और युद्ध भी कहां करेंगे, गंगा के किनारे। मरते ही सीधे गंगा के अंदर गिरेंगे। समर मरण पुनि सुर सुरी तीरा, और मर किस लिए रहे, राम जी के कार्य के लिए। तो भाई दोनों हाथ में लड्डू हुए कि न हुए। मिलो ने कहा हाँ महाराज ये तो सही है। निजाद कहने लगा भाइयों आज मुझे आप लोगों से बहुत बड़ा ये काम है, मैं राम जी का काम करने जा रहा हूं। हमें भरत को रोकना है, उसमें हमारे प्राण भी जाएंगे। आप लोग मेरे साथ है कि नहीं है, आप लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे। मेरा साथ कौन नहीं देगा, अगर देते हैं तो सहमति करिए। जैसे ही निषाद ने कहा वो जितने भील खड़े थे निषाद के संग बेपुर के सब ने एक साथ में हाथ उठा के निषाद को कहने लगे जिया तने पावई पाथे धरो। हे देव जब तक हम लोगों के अंदर प्राण है हम आपको वचन देते हैं कि हम युद्ध भूमि से अपने पांव को पीछे नहीं हटाएंगे। जिया तने पावई पाथे धरो के लुंडी मुंडे मही में दिन करो। ये जो गंगा की भूमि है रक्त रदित कर देंगे महाराज, जब तक हमारे देह में प्राण है हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आपको वचन देते हैं वीर आप धीर रहिए। जैसे ही भीलों ने कहा निषाद ने अपने योद्धाओं को देखा, तुलसी बाबा बोले देख निषाद राज भल टोलो देख निषाद कहीं बजाय जुदा तू ढोलो कहीं बजाय। निषाद ने भीलों को देखा कहा ढोल वालों को झुंझारू ढोल बजाओ ताकि इनमें पौरुषता आ जाए शूरता आ जाए। जैसे ही झुंझारू ढोल बजने लगे एतना कहत जो ही निषाद ने यह कहा एतना कहत छींक भई बाए एतना कहत कहत सगुनी न खेत सुहाए कहत सगुनी न। जो ही निषाद ने कहा बाई तरफ एक व्यक्ति ने छींक खाई। सगुन विचार करने वाले एक बूढ़े आदमी ने कहा महाराज ये सगुन कुछ और कह रहे हैं। निषाद ने कहा क्या कह रहे हैं, तो सगुन विचार करने वाला कहने लगा रामाई भारत रामाई भारत मना बन जाई सगुन कहियत सगुन कहियत नाई।
यह दूसरी बाधा महाराज। वो बूढ़ा कहने लगा, ये शगुन ऐसा कह रहे हैं कि भरत राम जी को मनाने जा रहे हैं। राम ही भरत मनावन जाए। भरत के भाव को जाने बिना अगर कुछ रोष में कर दोगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सहसा करी पछताही बिमूढ़ा। मूर्ख आदमी बाद में पश्चाताप करते हैं। भरत के भाव को जाने और निषाद ने भेंट सजोई, भरत जी के पास चले। ये दूसरी बाधा, पहली बाधा नियम भंग, दूसरा बाह्य लोगों से विरोध। ये नियम है। हम जहां सूर सागर में रहते हैं तो हमारे वहां देवालय शिवालय है और हनुमान जी का मंदिर बनाया हुआ बिल्कुल हमारे घर के पास में प्रतिष्ठित है। हमारे पुरुषोत्तम जी तो वहां आए हुए हैं, जैसे सरिया सर, वहां नित्य जब से मंदिर की स्थापना की तब से नित्य रुद्राभिषेक होता है पंडितों के द्वारा। हम चाहे कहीं रहें, कभी कहां कथा गाएं, उससे कोई लेना देना नहीं। गौशाला का दूध है, दही है, घी है और पंडित आते हैं, पुष्प प्रसाद नित्य एक बंदी की हुई यहां से लाते हैं, नित्य अभिषेक होता है। एक बार हमारे मन में ऐसा विचार आया कि नित्य रुद्री का पाठ करते हैं तो क्यों ना इसके मंदिर के ऊपर दो भोंपू लगा दिए जाएं, ताकि ये रुद्र का पाठ करते हैं और फिर एक गीता का रोजाना एक अध्याय भी बोलते हैं तो जहां तक आवाज जाएगी तो लोगों को आनंद आएगा, कोई सुने ना सुने लेकिन जो अत्रत संतुष्ट आत्मा है उनकी तो सदगति होगी। तो हम गए और जाके एक मशीन दो भोंपू ले आई और ऊपर लगा दिया। मेरे हिसाब से 15 दिन तक वो पाठ चला। 16वें दिन सुबह सुबह हम सुबह घूमने को जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करके हम वापस आए, आके चाय पी ही रहे थे, उसी समय उधर तो अभिषेक चल रहा था, पुलिस वाली गाड़ी आई। नीचे जो लड़के थे उन्होंने आके कहा महाराज पुलिस वाले आए। मैं नीचे आया, मैंने कहा हमारे यहाँ पुलिस वाले क्यों आए, क्या काम? नीचे आया तो जो पुलिस वाले वो हमको जानते हैं तो मुझे देख के प्रणाम किया, अरे महाराज आप यहाँ विराजते हैं? मैंने कहा हाँ यही है हमारा निवास स्थान। अरे अरे महाराज आपको सुबह सुबह ऐसे ही डिस्टर्ब किया। मैंने कहा कैसे आना हुआ बोलो? कि नहीं नहीं ऐसे। मैंने कहा देखिए संतों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो है बोले सच सच, किस लिए आए हो? तो कहा महाराज हम इसलिए आए कि आपके यहां से हमारे पास में 3 दिन से लगातार शिकायत आ रही है। किस बात की? कि हम लोगों को डिस्टर्ब होता है, ये महाराज मंदिर के ऊपर सुबह सुबह लगा देते हैं, उसे हमारे ब्लड प्रेशर हाई होता है, हम बीमार हैं। किसने कहा कि आपके मोहल्ले के बाहर वाले? नाम नहीं बताएंगे। मैंने कहा हमको नाम नहीं जानना है, ऐसा है आप कह रहे नहीं महाराज चलाइए तो बेकूफ है। मैंने कहा नहीं नहीं अब नहीं चलाएंगे, काट देंगे, आज के बाद बंद कर देंगे, नहीं चलेगा भैया, जिनके भाग में नहीं लिखा है तो काय को सुनेंगे। तो ये नियम है महाराज, आदमी का भजन बढ़ेगा तो उसके पास वाले लोग वही विरोध करे। वहां अगर मंत्र उतारित होते हैं, भगवान का नाम सुमिरन होता है तो वातावरण शुद्ध होता है, जहां तक वह आवाज जाती है तहां तक। उसके बाद में तो कई बार मोहल्ले वाले आए और हमसे क्षमा मांगी, महाराज आप वापस लगवाइए। मैंने कहा अब नहीं। मारवाड़ में कह दिए राजा राम भाव रहते गया भाई रही है बैठे करो, चिंता काय को करते मुझे। मैंने कहा तुम लोगों को तो सुनाना नहीं, मैंने तो सोचा था कुछ मेरा भाव था तो मैंने लगवा दिया, बाकी क्या करना भाई, वो तो भोला नाथ जाने, उसका अभिषेक होना होता रहेगा। दूसरा नियम बाह्य लोगों से विरोध। यहां भरत रुके हैं श्रृंगवेपुर, यहां से आगे चले। देखिए हम आपको मूल कारण बताते हुए चलते हैं, क्योंकि पहले ही कह दिया पूरा नहीं सुना पाएंगे हम आपको। आगे जैसे ही चले भरत जी, चलते चलते सीधे प्रयागराज आए हैं। तुलसी बाबा बोले भरत तीसरे पहर
पहुंचे आय प्रयाग। कहत राम सिय राम सिय उमगी उमगी अनुराग। भरत जी इतने भाव विभोर हो गए कि कह तो रहे थे सीताराम सीताराम, पर सीताराम जी की जगह राम सिय राम सिय राम सिय राम सिय राम सिय राम सिय कर रहे हैं। जो ही आए हैं तो वहां से पैदल चलते हुए आए, पीछे रहे, किसी को पता न चला, इसलिए पैदल चल के आए और ध्यान रखा नहीं, भरत के पांव में छाले पड़ गए। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा, झले का झले कते पायन कैसे, झलका झल पंकज कोश पंकज कोश होश कन कैसे पंकज कोश। जैसे कमल के फूल के ऊपर सुबह सुबह होश कण चमकते हो, वैसे ही भरत के पद रूपी कमल पे महाराज वो छाले चमक रहे हैं। जो ही भरत जी ने आगे से त्रिवेणी के जल को देखा, तुलसी बाबा बोले, देखत श्यामल धवल हिलो रे, देखत श्यामल धवल हिलो रे, पुलक शरीर पुलक शरीर भरत कर दो रे, पुलक शरीर। जो ही गंगा का श्वेत और यमुना का श्याम, सफेद और श्याम जल को देखा, त्रिवेणी के उस जल को देखा, भरत जी का शरीर पुलकायमान हो गया, दोनों हाथ जुड़ गई। उस श्वेत और श्याम जल को देख के भरत जी को सीताराम जी की याद आने लगी और भरत रोने लगे। त्रिवेणी को वंदन करके भरत कहने लगे, हे प्रयागराज, आपका प्रभाव संसार में प्रसिद्ध है। सकल काम पद तीरथ राओ, सकल काम पद वेद विदित जग प्रगट प्रभाओ, वेद विदित जग मांगो भीख त्याग निज धर्म आरत कहन करई कु करम आरत कहन। प्रयागराज, आप तो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो, वेदों में आपका प्रभाव वर्णित है। ये देव ये दिन ये जाचक आज आपसे भीख मांगता है, ऐसा कह के भरत अधीर हो गए। मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का धर्म नहीं है मांगना, लेकिन आर्त यानी दुखी व्यक्ति अधर्म पाप करता है, मैं भीख मांगता हूँ। आप मेरी अस जिय जान अस जिय जान सुजान सुदानी अस जिय जान। कर ही सफल जगे कर ही सफल जगे जा तक पानी कर ही सफल। ऐसा विचार करके हे सुजाने हे सुदानी इस जाचक की वाणी को सत्य करें,
मैं आपसे मांगता हूं। त्रिवेणी के भीतर से आवाज आई, बोलिए भरत जी हम आपको क्या दें। भरत ने हाथ जोड़े और भरत कहने लगे, अर्थ धर्म न काम रुचि की गति निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद के यह वरदान। हमें न तो अर्थ चाहिए, नहीं हमें धर्म चाहिए, नहीं हमें काम चाहिए और नहीं हमें गति चाहिए। महाराज, संसार में हर व्यक्ति एक ही कामना करता है, किसी को अर्थ चाहिए, किसी को काम चाहिए और किसी को मुक्ति चाहिए। पर भरत जी को तो मोक्ष ही नहीं चाहिए। क्यों? एक बात ध्यान रखिएगा, जो वैष्णव होते हैं ना, वो मुक्ति नहीं मांगते। नरसिंह जी ने अपने पद में कहा है, वैष्णव जन तो मुक्ति न मांगे, जी 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 जी। अरे मांगे जन्म बारम बारा रे, वैष्णव जन तो मुक्ति न मांगे जी। हरि मांगे जन्म बारम बारे, कि नित यो सब नित हरि कथा, ये नित यो सब नित हरि रे कथा मोदी। हरि नित संतन को साथ रे, वैष्णव जन को मुक्ति। भूतल भगत पदारथ मोटो जी जी, अरे तीन लोक मानाई, कर्म करी अमरा पुर पाम्या वाला, अरे अंत 84 माही। वैष्णव जन तो ताने कहिए पीर पराई गाने रे, नरसिंह जी कहते हैं इस संसार में, इस पृथ्वी पे अगर सबसे कोई बड़ा पदार्थ है तो वो भक्ति है। भूतल भक्ति पदार्थ मोटो, तीन लोकमा नाही, के कर्म करी अमरापुर पाम्या तो अंत 84 माई। फिर तो महाराज कर्म को भोग के पुनः आना ही पड़ेगा। इसलिए जो वैष्णव हैं वो मुक्ति नहीं मांगते। नरसिंह जी कहते हैं, भारत भूकन भूमि मा जन्मी जी जी, किसने गोविंद ना गुण गाया रे, अरे धन धन ये ना माता पिता ने वाला नी, अरे धन धन ये नी काया रे, वैष्णव जन तो तने गई, अरे पीरी पराई जन रे, वैष्णव जन तो तने Thank you.
वैष्णव लोग मुक्ति नहीं मांगते, वो तो कहते हमें भक्ति दीजिए, पुनः जन्म लेंगे और हे हरि तेरे गुणगान गाएंगे। यहां भरत जी ने कहा, अर्थ धर्म न काम रुचि की कठिन जो निर्वाण की जन्म जन्म रति राम पद के यह वरदान न आ। अगर देना ही है सीताराम, क्या मांग की है महाराज, सीताराम चरण रति मोरे सीताराम, सीताराम सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ही अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ही। सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम मेरा स्नेह आपकी कृपा से दिन बढ़ता रहे। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न तो गति चाहिए, न अर्थ, न धर्म, न काम, कुछ नहीं, एक भी पदार्थ नहीं चाहिए। प्रयागराज के भीतर से आवाज आई, भरत जी आप जो मांग रहे हो ना वो देने में हम सक्षम नहीं है, हम आपको क्या दें। प्रयागराज कहने लगे, सुनहुं भरत सब विधि साधु, हे राम चरण अनुराग अगाधु, बादी गिलानी करूं मनु माही कि तुम सम राम ही को प्रिय नाही। ए भरत जी आप ऐसा मांग रहे हो, आप तो सब प्रकार से साधु हो, मन की ग्लानी को मिटाइए, क्योंकि आपसे ज्यादा प्रिय राम जी को कोई नहीं। भरत जी त्रिवेणी स्नान करके भरद्वाज जी के आश्रम में गए, सर झुका के बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। भारद्वाज जी ने कहा, भरत सुनहुं भरत हम सब सुधि पाई, हमने सब जान लिया, आप जो मन में ग्लानी करके बैठे हो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप तो अगर राज भी करते तो आपको कोई दोष नहीं था, पर फिर अब तो आप राम जी के पास जा रहे हो, ये तो क्या कहें, और ये जो कुछ भी हुआ है ना ये हम लोगों के लिए हुआ है। तुम कहो भरत कलंक या हम सब कहो उपदेश, राम भगत रस सिद्धि भा यह सब बजहुंगनी। अगर राम वन में नहीं जाते तो इस समाज को इस संसार को भरत आप जैसा संत कहां से मिलता। भरद्वाज जी कहने लगे भरत हम झूठ नहीं कहते, क्योंकि हम प्रयागराज पे बैठे हैं, जप तप नियम समदम जो कुछ भी आज तक हमने किया उसका फल हमें क्या मिला, राम लखन जानकी का दर्शन। जब राम जी के दर्शन हुए तो हमने ये सोचा ये तो जो हमने त्याग जप तप नियम किया उसका फल मिला, पर राम दर्शन का फल क्या मिलेगा। भरत आज वह भी हमें मिल गया, राम दर्शन का फल आपका दर्शन है, ये मेरा नहीं इस पूरे प्रयाग का सौभाग्य है कि भरत आप यहां आए हो।
जैसे ही भरद्वाज जी ने यह कहा, भरत जी के आंखों में आंसू हैं। भरत जी मुनि की तरफ देखे और कहने लगे, देव ये जो आप मेरे आंखों में आंसू देख रहे हो, ये आंसू इस कारण के नहीं है कि देव मोइन मात करे तब कर सोचूं, नहीं दुख जिय जग जानहि को लगे। मुनिवर ये जो मेरे आंखों में आंसू, जो मेरे मन में दुख है, ये दुख इसका नहीं है कि मेरी माँ ने ये कुतंत्र रचा, और मुझे ये भी दुख नहीं है कि दुनिया में लोग मुझे पोचा खराब कहेंगे। और तो और देव, ना ही तो डरो बिगड़ रही पर लोगों, ना ही तो डरो बिगड़ कहीं पर लोकू, पितुई मरण कर मोहिन सोकू। ये नाही तो डरू कहीं पर लोकू, नाही तो डरू कहीं पर लोकूं, पे तो ही मरण करे मोहिन सोकूं। मेरा परलोक बिगड़ जाए उसका भी मुझे कोई डर नहीं है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। और हे देव, मेरे पिता संसार छोड़ के चले गए तो मैं पिता के वियोग में भी दुखी नहीं हूँ, उनका मुझे मरने का सोच नहीं है, और उनके मृत्यु का मैं सोच क्यों करूँ। सुकृत सुजस भरी भुवन सोहाए, सुकृत सुजस भरी भुवन सोहाए, लक्ष्मण राम सरी से सुत पाए। मुनिवर जिनके यश 14 लोकों में फैले हैं, जिनके राम लखन जैसे बेटे, और जिन्होंने राम के विरह में अपने प्राण त्याग दिए, मेरे पिता सोचने योग्य नहीं है, उनको विचार करके मैं दुखी नहीं हूँ। मेरा परलोक बिगड़े उसके लिए भी मैं दुखी नहीं हूँ, मेरी माँ ने जो करतूत की उसके लिए भी मुझे दुख नहीं है। ये जो आप मेरे आंखों में आंसू देख रहे हो, ये मेरे मन की जो मलिनता है, ये किस कारण से है मालूम है देव? भरद्वाज जी ने कहा, किस कारण? भरत कहने लगे, राम लखन सिय बिनु पग पनही, राम लखन सिय बिनु पग पनही, दरि मुनि बेस फिरै बन बनही। राम लखन जानकी तीनों बिना पाँव में कुछ पहने, मुनि वेश धर के वन वन में घूमते हैं। हे देव, अधीन बसन फल असन मही, शयन डांसी कुश पाती, बसी तरु तरनित सत हिम आतप बरसा बात। जो वलकल को पहने हुए हैं, कंद मूल फल खाते हैं, खुले आसमान में वृक्ष के नीचे गर्मी वर्षा और सर्द ऋतु को सहन करते हैं। ए देव, ये जब मैं विचार करता हूँ, ए दुख दाह दहै नित छाती, ए दुख दाह दहै नित छाती, भूख ने बासर नींद ने राती।
का है पहले तो छाती ए दुखे का विचार कर करके मेरा हृदय सुलगता है, न तो मुझे भूख लगती है, न मुझे कहीं चैन पड़ता है और न ही मुझे नींद आती है। हे मुनिवर, इस बीमारी की मुझे कहीं दवाई औषधि भी तो नहीं मिली है। एक रोग करे औषधि नाही, एक रोग करे औषधि नाही, खोजे हूँ विश्व सकल जग माई। पूरे संसार में मैंने देख लिया इस बीमारी की कोई औषधि ही नहीं है, क्या करूं मैं? भरद्वाज जी ने भरत जी को समझाया है और भरत शयन को गए। भरद्वाज जी ने अष्ट सिद्धियों को आदेश दिया कि आप ऐसी सुंदर व्यवस्था कर दें कि अवध के राजमहल में भी न हो, इतने भोग उत्पन्न करें, भरत समाज सहित आए हैं तो इन्हें कोई भी परेशानी न हो। इतनी सुंदर व्यवस्था की है, उन सब भोगों की सामग्री के होते हुए भी भरत रात भर आराम राम 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 पुकारते पुकारते बिता दी, उसके सामने न देखा। यह तीसरी बाधा महाराज। पहला नियम भंग, दूसरी बाह्य लोगों से विरोध और तीसरी साधु संतों द्वारा कसौटी पर। साधु संत आपके भजन की परीक्षा लेंगे, कैसे हैं आप? यहां से भरत आगे निकले हैं महाराज। इंद्र ने जब भरत को जाते देखा, इंद्र के मन में संशय हुआ, अगर भगत का अपराध करोगे तो राम जी के रूप रोष रूपी अग्नि से जले बिना नहीं रहोगे, इसलिए मन का ये विचार है ना, निकाल दो। इंद्र ने कहा तो तुम भरत के बारे में नहीं जानते हो। हे सुरपति, भरत सरीस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जही, भरत जैसा राम जी का स्नेही कौन हो सकता है? संसार जिस राम जी का नाम जपता है वह राम मेरे भरत का नाम जपते हैं। इंद्र ने कहा तो क्या करें? एक काम करो, भरत की सेवा करो, सेवक की सेवा करोगे तो राम जी प्रसन्न होंगे, नहीं तो राम जी के रोष से बच नहीं सकोगे, क्योंकि इंद्र राम जी को सबसे प्रिय क्या है? उनके सेवक हैं। राम ही केवल सेवक प्यारे, राम जी को केवल उनके सेवक, उनके भक्त, उनके प्रिय ही भक्त हैं। और हे इंद्र, ये जो संसार है पूरा कर्म के ऊपर आधारित है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल काका, जो जस कर ही सो तस फल काका,
ने कहा मानई सुख सेवक सेवकाई, सेवक की सेवा करना मेरा प्रभु सुख मानेंगे, क्योंकि हे बृहस्पति हे इंद्र ये संसार कर्म प्रधान है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसके अनुरूप ही फल मिलता है। तुम अगर राम जी के भक्तों की सेवा करोगे तो राम जी तुम पे प्रसन्न होंगे। यह महाराज चौथी बाधा, पहला नियम भंग, दूसरी बोलिए बाह्य लोगों से विरोध, तीसरी साधु संतों के द्वारा कसौटी परख, और चौथी देवताओं के द्वारा अवरोध उत्पन्न करना। इन चार बाधाओं को पार करके अब भरत आगे चले हैं। भरत जी को जाते देखा है ग्रामीण स्त्रियों ने, कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही के नाही। एक दूसरी से बात करी, अरे सखी ये राम लखन नहीं है। दूसरी ने कहा हो सकता है, उसने कहा कैसे, के भाई बपु बरन रूप सोई आली, सील सने सरिस समझ चाली, वर्ण वही है, रूप वही है, चाल वही है, शीलता वही है, स्नेह वही है, वैसे के वैसे हैं, पर सखी एक भेद है, क्या उनके मन तो बड़े प्रसन्न थे, इनके मन के ऊपर बड़ा दुख है, मुख न प्रसन्न मन मानस खेदा, एक तो यह, दूसरा इनके साथ में सीन सखी, साथ में सीता नहीं है और वेश भी वो नहीं है, दूसरा आगे चली अनि चतुरंगा, आगे चतुरंगी सेना है, मुख बड़े उतरे हुए हैं, तो ये मुझे लगता है ये राम लखन तो नहीं है। तो एक ने कहा ये राम लखन नहीं है, ये राम जी के छोटे भाई भरत हैं। ये राम जी को मनाने जाते हैं, पिता ने जो राज दिया है उसको त्याग दिया है और चलत पयादे जात वन जा रहे हैं पैदल, किस लिए, राम जी को मनाने के लिए। भरत सरिस कहूं आज भरत के समान आज संसार में कौन है, पिता ने जो दिया वो राज को त्याग दिया है, राम के प्रेम में जा रहे हैं, आंख में आंसू हैं, एक लगी लगन एक मन में, शिव कृपा करो दीनन पे, किसे राम मिले इस मन में, एक लगी लगन ये मन में, मन में एक ही लगन है, आंखों में आंसू बहे जा रहे हैं। भरत जी जो ही चित्रकूट के पास पहुंचे, निषाद ने कहा देव यहीं रुकें, या आसपास में ही कहीं प्रभु की कुटिया है, पूरे समाज को वहीं रोका। भरत शत्रुघ्न और निषाद तीनों प्रभु की कुटी देखने को चले, वहां राम जी रात्रि में सो के उठे हैं, जानकी के पास में मेरे प्रभु बैठे हैं, लखन भी बैठे हैं, तुलसी बाबा बोले वा राम रज नी अवशेषा, वा राम रज नी अवशेषा, जागे सी असपन अस दे, जागे ओ सी सपन अस देखा, जो ही रात बीती है सुबह सब उठे, राम जी के पास में जानकी जी बैठी हैं, सीता जी कहने लगी देव मैंने रात को एक स्वप्न देखा। राम जी ने कहा क्या देखा जानकी, सीता जी कहने लगी सहिते समाज भरत जनु आए, सहिते समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तनताए, हे नाथ वियोग ताप तनताए,
देव मैंने देखा समाज सहित भरत आए हैं और वो आपके वियोग में बहुत दुखी हैं। भरत तो है सो है ही देव, सकल मलिन अति दीन दुखारी, सकल मलिन अति दीन दुखारी, सासु देखी आन अनुहारी। प्रभु पूरे अवध का समाज मलिन दुखी है, वो तो है पर हे देव एक हमने बहुत खराब देखा। राम जी ने कहा क्या? जानकी कहने लगी आरे पुत्र हमने देखा माताएं कुछ अलग वेश में है। जो ही सीता जी ने यह कहा तुलसी बाबा बोले सुनी सिया सपन भरे जले लोचन, सुनी सिया सपन भरे जले लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। जानकी के सपने को सुनते ही राम जी की आंखों में आंसू आ गए, जो सोच का नाश करने वाला है मेरा प्रभु आज वो सोच में पड़ गया। आंख में आंसू आए, लखन की तरफ देखा और मेरे प्रभु कहने लगे लखन सपन यह, लखन सपन यह नीक ने होई, लखन सपन यह नीक ने होई, कठिन कुचा सुनावई कोई। कठिन कुचा सुनावई कोई। मेरे प्रभु आदिर होके कहने लगे हे लखन, मेरा मन करता है यह सपन अच्छा नहीं है, कोई बहुत बड़ी गलत खबर सुनने को मिलेगी। ऐसा कह के हस कहीं बंधु, हस कहीं बंधु समेत नहाए, हस कहीं बंधु समेत नहाए, पूजी पुरारी साधु सम्माए। ऐसा कह के मेरे प्रभु लखन के साथ में मंदाकिनी स्नान किया है, भगवान शिव का पूजन किया, साधु संतों का सम्मान करके कुटी में बैठे हैं। तुलसी बाबा बोले सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे, जो ही बैठे उत्तर दिशी देखत रहे। मेरे प्रभु बैठे तो प्रभु का मुख उत्तर दिशा की तरफ है, तो राम जी की नजर पड़ी क्या देखा, नबधूरी आकाश में धूल उड़ी हुई है, नबधूरी खग मृग भूरी भागे के बिकल प्रभु आश्रम गए। खग मृग पशु पक्षी भाग के मेरे प्रभु के आश्रम की तरफ आ रहे, आकाश में धूल उड़ रही है, एकदम से पशुओं में पक्षियों में व्याकुलता देखे। तुलसी उठे अवलोकी कारण कहा चित सचकित रहे। मेरे प्रभु एकदम से उठे, क्या बात है, ये सब में क्या व्याकुलता है। जो ही उठ के देखने लगे उसी समय सब समाचार रात को आए ते अवसर कहे, सब समाचार आके भीलों ने सुनाया, कहा देव भरत आए हैं।
दूसरे ने कहा अकेले नहीं आए, साथ में सेना है चतुरंगी। जो ही मेरे प्रभु ने सुना कि भरत आए, साथ में चतुरंगी सेना है, भरत के स्वभाव को याद करके मेरे प्रभु चिंता में पड़ गए। तुलसी बाबा कहते हैं इत पितु बच इत बंधु संकोटु, इधर पिता का वचन है इधर भाई का प्रेम है, क्या करूंगा, भरत सेना लेके आ रहा है, यानी भरत हमें अवध का राज देने आ रहा है, मैं कैसे समझाऊंगा उसे। मेरे प्रभु को विचार में देखा और महाराज सोया हुआ वीर रस जान गया, लखन खड़े हो गए, जटाओं को बांधा का महाराज बहुत हो चुका है, विषयी जीव को प्रभुता मिलती है तो वो अपने अस्तित्व को भूल जाता है। भरत ये सोच रहा है कि राम अकेले वन में जाके उनको मार के अकंटक राज करूं। आज तक जिस किसी को भी प्रभुता मिली है अहंकार आए बिन नहीं रहता, महाराज मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, अगर आज युद्ध में शंकर भी भरत की सहायता के लिए आ जाए तो भी दोनों भाइयों को सुला के रहूंगा। आकाशवाणी हुई, लखन जी आपके बल के ऊपर किसी को संशय नहीं है, पर आप जो विचार रहे वह नहीं है। लखन संकोच में हुए, ये पांचवी और अंतिम बाधा। जब कोई हमारा अति प्रिय नजदीकी रिश्तेदार, हमारा घनिष्ठ, हमारे प्राणों का प्यासा हो जाए, आप निरंतर साधना कर रहे हो और ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर ठाकुर के मिलने में कोई देर नहीं, महाराज फिर तो मिलना ही मिलना। उठा के देख लीजिए महापुरुषों की जीवन को, सभी के। यहां लखन को मेरे प्रभु ने समझाया, कहा हे लखन तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, विषयी जीव को प्रभुता मिलेगी तो अहंकार आएगा, पर भरत को नहीं हो सकता। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुनान दिशा। हे लखन, भरत जैसा इस ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में कोई हो ही नहीं सकता। लखन तुमार शपथ पितु आना, सुचिन सुबंधु नहीं भरत समाना। तेरी और पिता की सौगंध खा के कहता हूं लखन, भरत जैसा भाई मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ये संभव है संसार में? गोपद सिंधु बूढ़ घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े चोनी, मशक फूक मुख मेर उड़ाई, ये सब हो सकता है। गौ के खुर जितने जल में अगस्त डूब के मर सकते हैं, ये भूमि का स्वभाव है सहज रूप से क्षमा करना, ये अपने स्वभाव से हट सकती है, और चूहे की फूंक से सुमेरु उड़ सकता है, यह संभव हो सकता है, पर भरत को राजमद नहीं हो सकता। हो राजमद भरत को विधि हरि हर पद पाए, कबहुक काजी सी करनी शीर सिंधु बिनसाए। हे भाई, भरत हंस रघुवंश तड़ागा, भरत तो हंस है और ये रघुवंश है, ये तड़ाग यानी सरोवर है। भरत ने जन्म लेके संसार में जो गुण और अवगुण है उनको अलग किया है, वो तो गुण ग्राही है, गुणों गुणों को पिया है, जैसे हंस दूध दूध को पी के पानी को अलग कर देता है। लखन जी बैठे हैं, इधर भरत शत्रुघ्न निषाद तीनों चलते चलते एक ऊंची शिखर टेकरी पे आए, और आगे से निषाद ने कहा भरत जी ओ रही पर्ण कुटी राम जी की, जो ही दूर से बताई। भरत कहने लगे निषाद से भाई यहां से हम पैदल नहीं जाएंगे। निषाद ने सोचा कि इतनी देर तक तो भरत पैदल आए हैं संगमेपुर से, और अब यहां घोड़ा मंगवा के घोड़े पे बैठ के जाएंगे। पर जब भरत जी ने आगे के शब्द कहे तो निषाद रोने लगा। भरत ने कहा निषाद यहां से हम पैदल नहीं जाएंगे, यहां से तो हम दंडवत करते हुए जाएंगे। मेरे प्रभु यहां विचरण किए हैं, उनके चरणों की धूली लग जाए
और कहीं इस पापी के पाप धुल जाए। भरत और शत्रुघ्न दोनों दंडवत करते हुए जा रहे हैं। भरत जी के मन में एक ही ग्लानि है। भरत दंडवत करते हुए जा रहे हैं, सतत आंखों में आंसू हैं। इतनी ग्लानि है, हे हरि, आप मेरे अवगुणों को न देखें। अरे हरि मेरे अवगुण चितन धरो। मैं तो कथा में कहता हूं महाराज, जब भी मेरे प्रभु के सामने बैठो, आपको जब घर में समय मिले, सुर के इस पद को गुनगुनाया करो महाराज। बड़ा सुंदर है। मुझे बहुत प्रिय है, मुझे दो तीन पद, दो एक दो सूरदास जी के और एक कबीरदास जी का बहुत प्रिय है। जब भी बैठा रहता हूं इकला तो गुनगुनाता रहता हूं, गाता रहता हूं। कभी कभी मेरी धर्म पत्नी कह देती है, संयोग से वो आज आई हुई है, वह कह देती है कि महाराज आप इतनी कथा गाते हो, पांच पांच घंटे गाते हो, फिर भी थकते नहीं हो, फिर भी क्यों गाते हो। हम उसको कहते हैं ये जो संगीत है ना, यही हमारी जान है और कुछ नहीं। गाएंगे जब तक ही जिएंगे, जिस दिन गाना बंद हो गया उस दिन चले जाएंगे। देवी बड़ा अच्छा लगता है, पदों को गाते हैं, क्या संतों ने शब्द पिरोए हैं महाराज। अरे हरि मेरे, और वास्तव में हम इतने अवगुणों से भरे हुए हैं, हमारे जीवन में इतने अवगुण हैं महाराज कि हम अपने गुणों से उसको कभी पा नहीं सकते। ये तो उसकी कृपा हो और वो हम पे अगर अपनी कृपा की दृष्टि डाल दे, ये तो उसकी मानता है। आज भरत वही तो कह रहे, भरत तो भरत है लेकिन फिर भी देखिए भरत जी के मन में कितनी ग्लानि है कि हरि मेरे अवगुण चितन धरो। क्योंकि तुम कौन हो, समदर्शी है अरे नाम तुम्हारो, हरि अब की हरि अब की पार करो। ए हरि मेरे अवगुण चितन धरो, तेरा नाम समदर्शी है, तू सबको एक दृष्टि से देखता है। मैं मेरे अवगुणों से तो तुझे पार पा नहीं सकता, ए हरि तेरी कृपा की दृष्टि चाहिए मुझे। भरत जी दंडवत करते करते जैसे ही कुटी के पास में पहुंचे हैं, निषाद ने कहा भरत जी कुटिया का मुख्य द्वार इधर है। भरत रोने लगे, कहने लगे हम सन्मुख जाएं ऐसे कहां, हम तो पीछे के द्वार से जाएंगे, मेरे प्रभु की कृपा की दृष्टि अगर मुझ पे पड़ जाए और हो सकता है मेरे कुछ पाप धुल जाए। जो ही कुटी में प्रवेश किया महाराज, पीछे के द्वार से भरत इतने भाव विभोर हो गए, अंदर प्रवेश करने से पहले मेरे प्रभु को पुकारा है, पाई नाथ कई पाई गोसाई, पाही माम पाही माम पाही माम, परे भूमि तल लकुट की नाही। जैसे महाराज लकड़ी नीचे गिरती है वैसे भरत नीचे गिर गए,
जो ही भरत बोले न पाही माम पाही माम। तुलसी बाबा कहते हैं बचन सप्रेम लखन पहिचाने करत प्रणाम भरत यस जाने। भरत के वचनों को लखन पहचान गए। जैसे ही लखन की दृष्टि भरत जी के ऊपर पड़ी, भरत जी को भूमि में लेटते हुए देखा, एक बार तो लखन का मन किया धनुष बाण को यहीं छोड़ूं दौड़ूं और जाके भरत के चरणों में गिर पड़ूं, कहूं हे संत मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके बारे में क्या क्या सोच लिया, मुझे क्षमा करना। और स्वामी की सेवा के कारण लखन उठ तो नहीं पाए, पर महाराज अपने आंसुओं को भी लखन रोक नहीं पाए। सीता जी की नजर गई लखन के ऊपर तो मेरे प्रभु से कहा, देव आपने लखन जी को उल्लाहना दिया ना, देखिए लखन भैया रो रहे हैं, आपको कभी कुछ कहना हो तो आप हमें कह दीजिए, पर कभी लखन ना कहे। राम जी ने लखन की तरफ देखा और कहा, भाई हमने तो तुझे ऐसे समझाने के लिए कहा था, तू उस बात को इतना दिल से लगा बैठे, क्यों क्या बात है, ये तुम क्यों रो रहे हो। जैसे ही मेरे प्रभु ने कहा, लखन जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहीं सप्रेम नाय महिमा था, हाथ जोड़ के सर झुका के लखन इतना ही बोल पाए, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ भरत आए हैं, वो आपको प्रणाम कर रहे हैं। जो ही ये कहा है मेरे प्रभु ने जो सुना, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, राम जी एकदम से उठे, कपट कहानि शंक धनु थीरा, कहां वलकल कहां तरकस कहां बाण और कहां महाराज धनुष। इतने जल्दी मेरे प्रभु भरत जी के पास गए, कहां से गए किसी ने देखा नहीं। तुलसी जी कहां से देखते, सीधा लिख दिया, बरबस लिए उठाई लाए कृपा निधान। मेरे प्रभु ने भक्त को जबरदस्ती उठाया, उठा के हृदय से लगाया, राम भरत की मिलन लखी के बिसरे सबही अपार। जो ही मेरे प्रभु ने भरत जी को हृदय से लगाया, राम जी के आंखों में आंसू, भरत जी के आंसू, तुलसी बाबा बोले, मिलन की प्रीति किमी कहो बकानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। उस मिलने के प्रेम को मैं क्या वर्णन करके कहूं, ये कवियों के बुद्धि से बहुत परे है। परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमति बेसुराई। दोनों भाई प्रेम की मूर्ति हैं, उस प्रेम के दरिया में गोते लगाने शुरू की। देखिए आदमी जब डूबता है तो उसे माझी बचाता है। दोनों भाई उस प्रेम के दरिया में डूब रहे थे, उसी समय निषाद ने कहा, प्रभु माताएं आई हैं, गुरुदेव भी आए हैं। मेरे प्रभु ने भरत को अपने से अलग किया। जैसे ही महाराज भरत को अपने से अलग किया है, लखन दौड़ के आए और भरत जी के चरणों में गिरे हैं। लखन जी के तो मन में महाराज इतनी ग्लानि है कि मैंने आपके बारे में क्या क्या सोच लिया। भरत जी ने लखन जी को उठाया, हृदय से लगाया, दोनों भाई मिले।
शत्रुघ्न जी मेरे प्रभु के पास गए, दाके प्रभु के चरणों में वंदन किया है। मेरे प्रभु ने शत्रुघ्न जी को उठाया। शत्रुघ्न जी जैसे ही प्रभु के हृदय से लगे, बालक की भांति रोने लगे। देखिए, पिता के जाने के बाद में घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, घर के जो सबसे बड़ा जो पुरुष होता है, वही पिता तुल्य होता है। दशरथ जी के जाने के बाद में शत्रुघ्न जी पहली बार मेरे प्रभु से मिले। पिता के मृत्यु का शोक तो था ही, मुख तो है ही, छोटे भाई हैं सबसे और मेरे सरकार सबसे बड़े हैं। शत्रुघ्न जी मेरे प्रभु के हृदय पे सर रखे रोने लगे। राम जी ने अति स्नेह से छोटे भाई को समझाया। चारों भाई कुटी में आए हैं। जब कुटी के दृश्य को हमारे भरत जी ने देखा, महाराज भरत की तो दशा का कौन वर्णन करें। एक साधारण साड़ी में जानकी बैठी है, एक तरफ लखन जो जल भर के लाए वो दोने पड़े हैं, और कुछ बैर की गुटलियां पड़ी हैं जो भोजन के रूप में मेरे प्रभु ने ली। भरत उसको देख के जानकी के चरणों में गिर के रोने लगे। कामा, ये सब जो आपकी दशा है ना, इसका कारक नहीं, मैं क्यों संसार में जन्मा, ये सब हुआ वो मेरे कारण हुआ। जानकी जी ने स्नेह से भरत जी को समझाया, कहा भाई क्यों अपने आप को दोष देते हो। मेरे प्रभु शत्रुघ्न जी को कुटी में ही छोड़ के तीनों भाई अवध के समाज के पास आए हैं। राम जी सबसे मिले, पूरे समाज को लेके निवास स्थान पे आए। वशिष्ठ जी बैठे हैं, पूरा अवध का समाज बैठा है, मेरे प्रभु पास में बैठे हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे, राघव इस संसार में जो आता है उसको एक दिन जाना पड़ता है। पुत्र, जो फूल खिलता है वो मुरझाता है, कोई पहले जाता है कोई बाद में जाता है। राम जी कहने लगे, गुरुदेव आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हो। वशिष्ठ जी कहने लगे, राघव आप तो पिता की आज्ञा को मान के वन के अंदर आ गए, पुत्र पर आपको वन देने के बाद में महाराज ने आपके वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। जो ही मेरे प्रभु ने पिता की मृत्यु का सुना है। तुलसी बाबा बोले, मरण हेतु निज नेह निहारी। पिता की मृत्यु भी पर अपने स्नेह के कारण, भय हूं अधीर धीरे धुरे धारी। कुलिश कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सियसवरानी। उस वज्र के समान वाणी को सुनने के बाद में राम जी तो रोते हैं, जो तो रोते ही हैं। लखन जानकी रोने लगे, रानियां रोने लगी, पूरा अवध का समाज महाराज रोने लगा। तुलसी बाबा ने लिख दिया, सौ कविकल सकल समाज, मानहु आज अकाज हूं राज। पूरा समाज शोक में व्याकुल हो गया। ऐसा लगता है कि आज ही महाराज संसार से विदा हुए हैं। वह दिन बिना किसी ने जल अनुग्रहण किए बिताया, किसी ने कुछ न लिया, शोक संतप्त गया। दूसरा दिन हुआ, वशिष्ठ जी ने सबको समझाया, मेरे प्रभु ने पिता को तिलांजलि दी है। यहां चित्रकूट में भरत कई दिन तक रहे, यहाँ जनक जी का समाज भी आता है, जनक जी का समाज मिलता है,
भरत जी यहां मेरे प्रभु से कई निवेदन करते हैं। अंत में जो निर्णय लिया जाता है कि करना क्या है, मेरे प्रभु को भरत जी ने कहा प्रभु हमको तो यहां आना ही न था, हम यहां आ गए, आपने हमें स्वीकार किया, अब आप जो आज्ञा दें हम वही करेंगे। मेरे प्रभु कहने लगे भरत हम पुत्रों का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना, अगर वापस अगर मुझे अवध चलना है तो फिर मुझे आना ही नहीं होता, अगर नहीं आता तो कम से कम आज हमारे सर पे पिता का आशीर्वचन तो रहता। हे भाई जिस वचन को रखने के लिए पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिए, हम पुत्रों का धर्म है कि हम उस वचन का पालन करें। भरत ये 14 वर्ष तो देखते देखते व्यतीत हो जाएंगे, हम वन में रह के वापस अवध आएंगे, तब तक तुम जाओ और जाके अवध में राज करो। भरत जी रोने लगे प्रभु मैं कैसे राज करूंगा, राम जी ने कहा मैं वन में था तुम ननियाल थे, पिता देव लोग हो गए तभी तो अवध को किसी ने संभाला था, गुरु की कृपा से जाओ भाई राज करो। भरत जी ने कहा देव मैं वापस तो जाऊं, एक तो चित्रकूट दर्शन करना है, चित्रकूट दर्शन करके आए, फिर कहने लगे जाऊं पर कुछ आधार तो दीजिए, 14 वर्ष आपके बिना मैं कैसे बिताऊंगा। पर प्रभु करी कृपा पावरी दी, मेरे प्रभु ने कृपा करके अपनी पादुका दी है, सादर भरत शीश धरली, भरत जी ने उस पादुका को सिर्फ धारण किया है। चलते समय भरत ने राम जी से कहा प्रभु मैं वापस अवध जा रहा हूं आपकी आज्ञा को पालन करने, पर एक आपके चरणों की सौगंध खाके जा रहा हूं, आपके आगमन की 14 वर्ष तक राह देखूंगा, 14 वर्ष पूरे होने के बाद में अगर एक दिन भी ऊपर निकल गया तो आपके चरणों की सौगंध यह भरत अपने प्राण त्याग देगा, पीछे अवध में नहीं रहेगा। और समाज को लेके भरत वापस अवध को चले हैं। भरत जी के सर के ऊपर पादुका है, आंखों में आंसू है, अवध आए हैं, पादुका को सिंहासन के ऊपर रखा और पादुका से आज्ञा मांग मांग के राज कार्य कर रहे हैं। कुछ दिन बाद एक दिन भरत जी वशिष्ठ जी के पास में गए, कहा गुरुदेव आप आज्ञा दें तो मैं नंदी ग्राम में जाके रहना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा क्यों, भरत जी कहने लगे गुरुदेव महल में रहता हूं तो मां भोजन की थाली परोस के लेके आती है और भोजन को देखता हूं तो मुझे सीताराम जी की याद आती है, भोजन नहीं करता हूं तो मां दुखी होती है और भोजन देख के मुझे उनकी याद आती है तो मुझे भोजन भाता नहीं, क्या करूं, मैं अपने मन की व्यथा भी मन कर बात भी तो किसी कह ही तो न सकता, आप अगर मुझे आज्ञा दें तो गुरुदेव मैं नंदी ग्राम जाके रहना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा भरत कौशल्या मां से आज्ञा ले ले, कौशल्या कहे तो जाओ। भरत जी कौशल्या जी के पास आए, मां से निवेदन किया, कौशल्या जी ने कहा पुत्र लगता है विधाता अभी भी मुझ पे उवाम है, विधि अभी भी मुझ पर से अपनी कोप दृष्टि हटाई नहीं है, तू मेरे पास रहता तो कम से कम तुझे देख देख के मुझे राम की कम याद आती, पर तू भी नहीं रहना चाहता, हम ही लोगों ने सबसे ज्यादा दोष किया, हम ही रहेंगे जा बेटा। कौशल्या ने सोचा कि राम वियोग में भरत को अगर जीवित रखना है तो ये चाहता है जैसे इसे करने दें। भरत जी को कहा भरत जी नंदी ग्राम आए हैं, कोठी बनाई और रहने लगे,
भूमि में गड्ढा खोदा है, मेरे प्रभु भूमि पे शयन करते हैं, तो मैं मेरे प्रभु के बराबर कैसे सोऊं। भूमि में गड्ढा खोद के वलकल को धारण किया और रात दिन राम नाम सुमिरन कर रहे, मेरे प्रभु को याद कर रहे। कभी कभी तो भरत जी राम जी के प्रेम में इतने व्याकुल अधीर हो जाते हैं कि एक बार भरत अपने आप में नहीं रहे, आधी रात में मन में इतने व्याकुल हुए कि प्रभु के राम जी के बिना न जी पाऊंगा, ऐसा करके दौड़े कि सरयू में जाके अपने प्राण त्याग दूं। जो ही भरत सरयू में डूबने को तैयार हुए, दो पुरुषों ने आके हाथ पकड़ ली। भरत जी ने कहा कौन है, छोड़ दो मुझे। वो दोनों कहने लगे हम प्रभु की पादुका है, हमें प्रभु ने आपके साथ में इसलिए भेजा, हम आपको डूबने नहीं देंगे, आप वापस चलें। भरत जी वापस जाते हैं। कौशल्या जी को जब भरत जी की दशा का पता चलता है, कौशल्या जी एक दिन एक पथिक को पूछती हैं, जो पथिक कोई राह गिरी जाता है राह पे, उस पथिक को कहा भाई तुम कहां जा रहे हो। उस पथिक ने कहा कि रानी मां हम चित्रकूट जा रहे हैं। कौशल्या जी ने उस पथिक से कहा तुम चित्रकूट जा रहे हो भाई, कि हाँ तो हमारा एक काम करोगे। उसने कहा क्या, अगर चित्रकूट जाओ तो मेरे राघव से मिलना और उसको एक कह देना, मेरे राम से कह देना एक बात अकेले में। ए भाई मेरे राम को अकेले में ले जाके एक बात कह देना कि रोते हैं भरत भैया दिन रात अकेले में, ए रोते हैं भरत भैया दिन रात अकेले में, मेरे राम से कह देना एक बात अकेले, मेरे राघव को एक बात अकेले में कह देना भाई, एक बार राधो फिर आओ। तुलसी जी ने बड़ा सुंदर गीतावली में लिखा एक बार तुम आ जाओ, वो जो तुम्हारे घोड़े श्वेत वर्ण के थे तुम्हें याद कर कर के रो रो के हे राम को काले पड़ गए। भरत की दशा में देख नहीं पाती हूं, एक बार तुम भरत को देख जाओ, मेरे राम से कह देना एक बात अकेले में, अरे रोते हैं भरत भैया दिन रात अकेले में। यही मेरे तुलसी बाबा ने दूसरे कांड को विराम किया। आज की कथा को अब हम यही विराम करेंगे, कल कथा का नौवां और अंतिम दिन है।